वेलकम टू वी फिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक सोनी का टीवी है 40 इंच का, जिसका मॉडल है KRV40W652D। 40 इंच का ये टीवी है। इसके अंदर प्रॉब्लम ऐसा है कि उसका जो पैनल है वो डैमेज हो गया है। उसके अंदर अभी जो पैनल लगा हुआ था पहले, उसका मॉडल मैं आपको बता देता हूँ। ये 15YS40FF सैमसंग का पैनल था, तो ये पैनल जो है ब्रोकन है। उसकी जगह पे हमने दूसरा पैनल लगाया है 40 इंच का, जिसका मॉडल है 15Y40GF11। मतलब वो ओरिजिनल दूसरी जो पैनल थी इसमें लगी हुई, उससे थोड़ा सा अलग मॉडल है, तो हमने इसको लगा दिया है। वो लगाने के लिए सप्लाई जो है वो चेंज हो रहा था। वो ओरिजिनल पैनल में लेफ्ट साइड सप्लाई था, इसमें राइट साइड सप्लाई है, तो उसके लिए ये कन्वर्टर्स वगैरह इसमें सेट करने पड़े, जिससे सप्लाई जो है वो चेंज हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड सप्लाई है। ओके, तो इस तरीके से कन्वर्टर्स डाल के सप्लाई भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये पैनल इसमें सेट तो हो गया, लेकिन अभी आइडलिंग आ रहा है। इसमें चालू करके बताता हूँ आपको। ये यहाँ पे पहले ग्रीन इंडिकेशन आया, डिस्प्ले अभी तक नहीं आया है। ये अभी थोड़ी देर के बाद वो फाइव ब्लिंकिंग में चला गया। तो सोनी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी पैनल चेंज किया जाए तो वो सिंपली सेट नहीं होता है, वो तुरंत फाइव ब्लिंक में चला जाता है। तो उसके लिए उसका पैनल आईडी वगैरह मैपिंग करवाना पड़ता है। ये उसका मेमोरी आईसी है, ये नए पैनल का, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नया मेमोरी है। पुरानी जो पैनल है उसमें से जो उसका मेमोरी आईसी है वो इसको सेट करना पड़ता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे है उसका एक मेमोरी इधर है, यहाँ पे है, और दूसरी मेमोरी जो है वो यहाँ पे है। तो इस तरह से उसका जो पैनल आईडी मेमोरी है वो आइडेंटिफाई करके उसको नई पैनल के साथ सेट करना पड़ता है। तो हम इसको करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें ये इस तरह का मेमोरी मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल किया है, जिससे कि उसका जो पुराना पैनल था उसका मेमोरी जो है वो हमने इसको सेट किया है। तो अभी इसको चालू करके देखते हैं। ये जैसे ऑन हो गया है और ये चालू भी हो गया, ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो है पिक्चर आ गया। अभी इसमें कोई फाइबलिंग वगैरह नहीं है, सीधा डिस्प्ले आ गया है। तो इस तरह से सोनी के पैनल्स में ये पैनल आईडी जो है उसका वो उसको सेट करना पड़ता है नई पैनल के साथ। तो इसको कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चेक करना रहता है, क्या मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, उसके लिए आप हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस तरह के सारे ट्रिक्स जो है वो हम प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।